किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग CBSE NDP बोर्ड क्लास 12th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में डिटरमिनेंट्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का, उसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने मैट्रिक्स कम्प्लीट कराया है और बाकी दो चैप्टर जिनमें कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर है, तो आप एक बार उसे ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस डिटरमिनेंट को। लेकिन अगर आपको डिटरमिनेंट अच्छी तरीके से समझना है तो इससे पहले आपको मैट्रिक्स आना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक बार मैट्रिक्स चैप्टर कम्प्लीट देखें मेरे इस चैनल पर जो कि अवेलेबल है। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पढ़ना है डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो आखिर में ये डिटरमिनेंट्स होता क्या है, तो इसको जानने से पहले आपको मैट्रिक्स आना जरूरी है। जैसे कि मैट्रिक्स क्या होता है कि जो भी नंबर है या आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको एक रिक्टेंगुलर, यानी ये आप देख रहे हो इस पैटर्न के अंदर रखते हैं। जैसे कि 6, 7 ये नंबर आपने इसमें रखा तो ये एक तरह से मैट्रिक्स बनाएगा। यानी मैट्रिक्स से आप ये जानते हो कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे के अंदर हम एलिमेंट्स को ऐसे ऐसे रखते हैं, ठीक है। और इसका हम आर्डर भी जानते हैं, 2 रो 2 कॉलम। तो डिटरमिनेंट्स होता क्या है, तो पहले आपने मैट्रिक्स जाना, मैट्रिक्स पढ़ा भी होगा, ठीक है। अब आप जानते हो कि जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशंस में से 2x + 5y = 12 एक ये लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। इसी प्रकार आप एक और लीनियर इक्वेशंस लिख सकते हो 18, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये क्या हो गए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन ये, एक लीनियर इक्वेशन ये। भाई लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन से मतलब है, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशंस है और ये एक्स और वाई वेरिएबल्स है, ठीक है, तो एक्स और वाई जब ये वेरिएबल है तो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जब हम सॉल्व करेंगे, आप क्लास 10 पे पढ़े होंगे, तो अगर मैं बोल दूं कि ये जो दो लाइंस का इक्वेशन है भाई, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ये तो लाइन का इक्वेशन होगा ही, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 1 होता था, ठीक है। अगर आपसे कोई लिख दे x = 6 तो क्या ये लाइन का इक्वेशन नहीं है, है भाई। x = 6 मतलब x की जगह पर 6 की इस लाइन खींचेंगे तो y के पैरेलल आएगा, यानी एक लाइन का इक्वेशन है। तो इसी प्रकार ये दो इक्वेशंस हैं, तो इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 यानी x का कोफिशियंट एक साइड, y का कोफिशियंट एक साइड, और फाइनली हम यहाँ पर x और y लिखते थे, और उसके बाद जो आपका रिजल्ट आता था 12 और 18, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिखते थे। ये क्या होगा, 2 रो 2 कॉलम 2 रो 1 कॉलम, तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, 2 रो 1 कॉलम। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। तो एक चीज़ समझो कि जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख के एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ से बता सकते हैं। क्योंकि भाई देखो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कभी पॉसिबल है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर हो तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, होने के बाद एक रिजल्ट क्रिएट होगा, वो रिजल्ट क्या होगा, 2 रो 1 कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, और इसको हम कंपेयर कर देंगे 12 और 18 से, तो इसके हेल्प से हम एक्स और वाई की वैल्यू बता सकते हैं। और आप इसको बेसिक क्लास 10th पे पढ़े होंगे तरीके, कैसे हम किसी दो लाइन के इक्वेशंस को सॉल्व करके हम उसका सॉल्यूशन बता देते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्यूशन बोल दिया जाए, कितना सॉल्यूशंस होगा, सॉल्यूशन का मतलब क्या है भाई, अगर ये दोनों लाइन कट कर रही हैं तो एक सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। एक लाइन का इक्वेशन ये, एक लाइन का इक्वेशन ये, यानी एक सॉल्यूशन। अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। अगर एक लाइन ऐसे है और एक लाइन उसी के ऊपर है जस्ट, तो बहुत से सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत से पॉइंट्स इस पर मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार आपको ये बातें क्लियर होंगी। तो उसमें आप पढ़े थे कि जो एक्स का कोफिशियंट है यानी a1/a2 = b1/b2, अगर ऐसे कुछ केसेस पढ़े होंगे = c1/c2, अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसका मतलब इसका सॉल्यूशंस क्या है, इसका सॉल्यूशंस मेनी है, यानी मेनी सॉल्यूशंस, यानी ये लाइंस एक के ऊपर एक हैं। अगर ऐसे हो गया तो, अगर यही ऐसे हो जाता तो इसका सॉल्यूशंस कोई नहीं होता, यानी पैरेलल लाइंस होती दोनों। देखो, लाइन जब कट करेगा तभी तो एक्स और वाई की वैल्यू बता पाओगे। अगर ऐसे हो जाता, ठीक है, सिर्फ ये वाला a1/a2 ≠ b1/b2, तो ये क्या बताता, यूनिक सॉल्यूशन, यानी ये लाइन कट करेंगी तो एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर एक सॉल्यूशन ऐसे मिल गया तो हम यहाँ पर डिटरमिनेंट्स के बारे में सोचना है, ठीक है। तो अगर मान लो ये आपका आ गया, यानी एक सॉल्यूशन आ रहा है, यूनिकनेस, a1/a2 ≠ b1/b2, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ a1 × b2 ≠ a2 × b1, ठीक है भाई, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो अगर मैं इसको इधर लाऊंगा, a1 b2
ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर आएगी, यानी ये जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर नहीं है ना भाई। अगर ये छः है तो ये चार होगा, अगर मैं दोनों को इसमें से इसको माइनस करूँ तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, जीरो के बराबर कभी नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो इस प्रकार जो आपका मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स के हेल्प से हम किसी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिकनेस पता कर सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा कि नहीं। तो जो ये टर्म्स यहाँ पर मिला है ना, ये वाला टर्म्स, इस टर्म्स के हेल्प से यानी a1 into b2 minus a2 into b1 इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी भाई। ये कोई प्रॉपर ये वैल्यू देगा, इतना वाला चीज़ कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो ये वैल्यू के हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो आपका लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो इक्वेशंस हैं, उनका सॉल्यूशंस यूनिक होगा कि नहीं। ठीक है, तो यही जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, यानी ये जो वैल्यू है क्या कहलाएगी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो एक चीज़ याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट्स किसका निकलता है, तो डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें रो और कॉलम सेम हो, तीन रो तीन कॉलम हो, उसका निकलता है। जैसे आप इनवर्स मैट्रिक्स इसके पहले वाले में पढ़े थे कि हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग आप इनवर्स निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ फार्मूले थे जो हमने पढ़ा था। तो इनवर्स मैट्रिक्स किसका निकालना पॉसिबल था, सभी मैट्रिक्स का नहीं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का हम निकाल पा रहे थे। उसी तरह आप डिटर्मिनेंट किसका निकालोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो हमेशा याद रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी वो किसी नंबर में आएगी, यानी कोई वैल्यू होगा। ठीक है, कन्फर्म बात है। तो डिटर्मिनेंट्स किसी मैट्रिक्स का क्या बताता है, अगर वो मैट्रिक्स किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए हो तो उसका यूनिकनेस। तो बातें क्लियर, तो बस आपको इतना याद रखिएगा कि a1 into b2 minus a2 b1 ये कोई वैल्यू देगा, यही डिटर्मिनेंट्स है किसी मैट्रिक्स का। ठीक है, इसको मैंने किसके हेल्प से बताया भाई, मैंने माना कि लाइन का इक्वेशन ये है तो इसके हेल्प से मैंने ये चीज़ें बता दी। ठीक है, तो आप किसी भी मैट्रिक्स आइए, तो अभी मान लो कि ये दो रो दो कॉलम का था, अगर आपके पास मैट्रिक्स आता है तीन रो तीन कॉलम का तो वहाँ पे भी आप निकाल सकते हो डेटे। उस डेटे को निकालने के लिए आपको क्या होगा, अभी हम समझेंगे कि रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, कॉलम के लॉन्ग। ठीक है, तो बच्चों जो ये आपका डिटर्मिनेंट्स होता है तो ये एक वैल्यू होता है, वैल्यू मतलब कोई नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हो जैसे ए प्लस आई बी के फॉर्म होता है, जैसे 2+3i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हो सकती है। तो जनरली हम बात करेंगे रियल नंबर की। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या होना चाहिए, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी अगर डिटर्मिनेंट्स आपको निकालना है तो पहला चीज़ क्या होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स है यानी गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो दूसरा क्या होना चाहिए, अगर मान लो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है यानी डेट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट ए का मतलब ऐसे लिख सकते हो, अब बहुत से बच्चे इसको बोलेंगे मॉड ए या मॉडुलस ऑफ ए, नहीं ये नहीं बोलेंगे, ये डिटर्मिनेंट्स ए के लिए है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे निकालते हैं उसको हम सीखेंगे अभी। ठीक है, अब थर्ड चीज़ क्या है कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट्स फॉर्म कैसे निकालें, जैसे ये मैट्रिक्स है एक ऑर्डर का है। ठीक है, तो इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो एक रो एक कॉलम तो एक ऑर्डर का है, तो इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, ये खुद ही ये एलिमेंट ही हो जाएगा, यानी इनका डेट ए क्या हो जाएगा, खुद ए हो जाएगा क्योंकि अकेला है भाई। ठीक है, इसी प्रकार आप अगर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू बतानी है, a1 a2 b1 b2 इस टाइप का है, तो इसका डिटर्मिनेंट की जब वैल्यू निकालोगे यानी डेट ए, तो वो क्या आएगा, अभी मैंने बताया था ऐसे इसको करते हैं मल्टीप्लाई, आपस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a1 into b2 minus a2 into b1, यानी ये कुछ वैल्यू देगा, वही क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है। ठीक है, इसी प्रकार आप थर्ड ऑर्डर, ये तो सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का हो गया, यानी जब दो रो दो कॉलम तब ऐसे निकालते हैं, अगर यही मैट्रिक्स तीन रो तीन कॉलम का हो तब कैसे निकालेंगे, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम कुछ तरीके सीखेंगे, वो तरीके क्या होंगे तो वो समझेंगे। ठीक है, तो पहले आपने इतनी बातें समझा कि पहला चीज़ किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तभी निकलेगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और डिटर्मिनेंट का ऐसे लिखते हैं डेट ही है या ऐसे सिंबल बना के लिखते हैं। ठीक है, ये कोई वैल्यू होती है, वैल्यू या तो रियल में आएगी या तो और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ठीक है, अब मेन पॉइंट समझिए कि पॉइंट समझ में आएंगे नहीं। ठीक है, जैसे एक ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो डेट ही क्या होगा, खुद वो नंबर हो जाएगा जो उसमें रखा हुआ है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब देखो, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर थ्री का हो जाए तो उस समय क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स लिखा है ऑर्डर थर्ड है इसका, ठीक है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है, तो इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंटल वैल्यू बतानी है डेट ए, ठीक है, तो इस डेट ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको निकालने के लिए
आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये तो एलांग रो, यानी रो के एलांग, रो समझते हैं आप लोग, ये रो होता है आपका, ठीक है, ये क्या होता है कॉलम, या तो रो के एलांग इसको एक्सपेंड कर दो। देखो एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है, कि अगर आप रो के एलांग करते हो यानी एक्सपेंड, तो आप क्या करोगे कि देखो पहला एलिमेंट रो में ये है, तो आप इसको बंद कर दो और इसको बंद कर दो, बस इस पर काम करो, तो ये जो एलिमेंट्स होंगे इनमें ऑपरेशन करो, तो क्या हो जाएगा ए वन बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री, ये हो गया, ठीक है, आपने रो के लांग चला तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या एक पॉइंट्स ये है कि जो ये एलिमेंट्स ए वन है इसका पोजीशन क्या है, तो इसका पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी एक रो एक कॉलम, एक एक को जोड़ेंगे तो दो आएगा, दो आएगा तो इसलिए इसका प्लस का साइन होगा, ठीक है। अब दूसरी बात आते हैं, इसी रो में आगे बढ़ते हैं, तो ये एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट किस पर है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो वहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो एक रो दो कॉलम दोनों को जोड़ो दो एक तीन, यानी तीन जब भी आड आएगा तो माइनस साइन लगाएंगे, और जब भी इवन आएगा किसका इवन भाई, पोजीशन का इवन, ऐसे ये पहला एलिमेंट लिया तो इसका नाम क्या होता था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ऐसे ही बोलते थे ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमेंट का नाम ले लेते हैं, मान लो यही है, ठीक है, तो एक एक दो हो गया, तो ये इवन है तो इसीलिए प्लस लिखा, अब माइनस कब, जब बी वन, ठीक है, अब इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इससे इससे मल्टीप्लाई करो, ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू, ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट बार ये बी वन खत्म, अब इसका नंबर आता है क्योंकि इसी रो में आ गया, इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी तीन एक चार, चार क्या है इवन है, तो इवन के लिए क्या लगाएंगे हम, प्लस लगाएंगे, ठीक है, तो सी वन ब्रेकेट में ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, तो बचा क्या, ये ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, ठीक है, देखो ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, इतनी बातें क्लियर। तो इससे क्या आ गया आपका, डिटर्मिनेंट्स ए आ गया, या ऐसे लिख सकते हैं सिंबल के रूप में, ठीक है, डेट ए, बातें क्लियर, ठीक है। तो मेरे पॉइंट समझ आता है कि हम कैसे किसी तीन दो तीन कॉलम यानी आर्डर थर्ड मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू बताएंगे, तो ऐसे आप फार्मूला लगा के बता सकते हो, ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, जब हमें डेट ए आ गया, ठीक है, तो अगर डेट ए की वैल्यू जीरो हो जाती है तो हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, यानी इसका यूज क्या है भाई, डिटर्मिनेंट हम जब पढ़ रहे हैं तो इसका यूज भी होगा ना, तो यूज बहुत से फील्ड में है, इंजीनियरिंग फील्ड में, साइंस फील्ड में आगे जाके इसका यूज है। और यहाँ पर फिलहाल हमें जो इन्वर्स निकालते थे इससे पहले, जिसमें हम क्या करते थे कि कुछ तरीके लगाकर एक्सपेंड करके यानी आइडेंटिटी बनाते थे, तब जाके इन्वर्स निकलता था किसी मैट्रिक्स का, लेकिन अगर डेट ए की वैल्यू मुझे मालूम हो गई तो इन्वर्स निकालना आसान हो जाएगा। इसलिए हम डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू अगर जीरो आते हैं तो आप इन्वर्स निकाल नहीं सकते, वो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होगा, ठीक है, डेट ए की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो। तीन रो तीन कॉलम का एक मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका डेट ए निकालता हूँ, ठीक है, डेट ए या डिटर्मिनेंट से, या बहुत से लोग ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखो ये जो इधर है, ठीक है, ब्रैकेट टाइप का, उसमें ये सब एलिमेंट्स अरेंज हैं ऐसे, ठीक है, करके, तो अब हम यहाँ पर ये ऐसे लगा देंगे, ठीक है, और सभी एलिमेंट को लिख देंगे ऐसे, याद रखिएगा डिटर्मिनेंट्स ए लिखो तो इसके बराबर दिखाओ, सेवन फाइव सिक्स सेवन सेवन सिक्स, ठीक है, डेट ए, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ये वाले हट जाएगा, डेट ए का मतलब ये। अब इसको आप सॉल्व करना है तो पहले तो आप समझ गए कि भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब सॉल्व करने के लिए डेट निकालने के लिए या तो रो के एलांग आप चले जाओ, रो के एलांग मैंने बता दिया, या तो आप किसी भी कॉलम के एलांग चले जाओ, यानी इस कॉलम के एलांग चले जाओ, तो कॉलम का पहला एलिमेंट फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसा लेते रहना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो आप रो के एलांग डिटर्मिनेंट्स निकाल लो, या तो कॉलम के एलांग, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, या तो आप इस रो के एलांग जाओ, या तो आप इस कॉलम के एलांग जाओ, दोनों केस में जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो अगर मान लो मैं कॉलम के एलांग चलता हूँ तो ये पहला एलिमेंट्स है तो पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि पोजिशन से इसका देखो फर्स्ट हो फर्स्ट कॉलम, यानी एक एक दो दो इवन है तो प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों सिक्स, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, जिस ग्रुप में बंद कर दो, बचाइए फाइव सिक्स या थर्टी, थर्टी सेवन सिक्स या फोर्टी टू, ठीक है, इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसे मल्टीप्लाई, आप डायरेक्टली करके लिख सकते हो, ठीक है। फिर दूसरे बार किसका नंबर आएगा, माइनस सेवन, क्योंकि किसका पोजिशन देखो सेकेंड हो फर्स्ट कॉलम, यानी दो एक तीन, यानी ऑड है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बंद, तो बचा क्या, नाइन इंटू सिक्स फिफ्टी फोर माइनस एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स, देखो एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स, नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर, यहाँ तक बातें क्लियर। अब दूसरी बार किसका नंबर आएगा, इस सेवन का आएगा, क्योंकि इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो मतलब थर्ड कॉलम मतलब ये एक तीन चार, यानी इवन देगा, इसका पोजीशन देख लो भाई ना, एक तीन, सॉरी तीन एक, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
यानी 3 × 1 = 4। तो 4 क्या है, इवन है, तो इवन के लिए हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। जनरली इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, लेकिन उसको कुछ फ़ायदा है आप देख सकते हो, ठीक है। यही लिखते हैं लोग, ठीक है। यानी एलिमेंट का कौन सा पहला रो है और पैसा कॉलम है, जैसे कोई एलिमेंट उठा रहे हो ना, तो उसका रो कौन सा है यहाँ पर, कॉलम कौन सा है, उनको दोनों को जोड़िएगा और -1, ठीक है, उसके ऊपर पावर लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये 7 हो गया, तो इसको बंद करो, इसको बंद करो, 9 × 6 = 54, 8 × 5 = 40, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही क्या होगी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होगा, ठीक है। बातें क्लियर? तो आप देख रहे हो कि जब भी हम डिटर्मिनेंट्स किसी मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ नंबर आ रहा है। तो आप एक कह सकते हो कि एक ऐसा फंक्शन होगा सच दैट, ऐसा होगा कि जिसमें कुछ मैट्रिक्स होंगे, कुछ मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, यानी हम बोल सकते हैं ये एक एस है, एस क्या एक सेट है जिसमें कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और उन स्क्वायर मैट्रिक्स का जो कुछ रिलेशंस हैं, यानी डिटर्मिनेंट्स ए से कुछ रिलेशंस हैं, तो डिटर्मिनेंट्स ए का मतलब मान लेते हैं ए नाम का कोई सेट है जिसमें कि डिटर्मिनेंट वैल्यू है इस एस सेट ऑफ मैट्रिक्स का, जो कि एस कैसा मैट्रिक्स है, बोल सकते हो सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट है, ठीक है। और ए क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक फंक्शन बना, तो इस प्रकार हम फंक्शंस के रूप में भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बातें क्लियर भाई? क्योंकि देखो आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठाओगे उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी ना, आ सकती है भाई, ठीक है। बातें क्लियर? तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का अपना डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। हो सकता है दो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम हो जाए, अलग अलग दो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम हो जाए, हो सकता है भाई, ठीक है। इस पे नहीं, वो तो फंक्शन में ये लागू है कि भाई दो चीज़ों का पेयरिंग एक से हो सकता है, लेकिन एक का पेयरिंग दो से नहीं हो सकता है, फंक्शन में आप ये पढ़ोगे, ठीक है। तो ये एक फंक्शंस के तहत भी हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कैसे निकालते हैं, आपने समझा, किसी गिवन मैट्रिक्स का, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और खास तौर पर जब डेट ए लिखो तो ये वाला चीन हटा दो, बस सीधा ऐसे लंबा लंबा लगा। अब सॉल्व करना आपको आता है, मेनली सॉल्व करने के लिए आपको थर्ड कॉलम ही में सोचना पड़ता है, यानी आर्डर थर्ड में थोड़ा याद करना पड़ेगा। या तो रो के लंग करो या तो कॉलम के लंग, किसी भी कॉलम के लंग कर सकते हो, इस कॉलम के लंग कर लो, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। और साइन वगैरह का आइडिया आपको समझना है कि जो एलिमेंट्स का जैसा पोजिशन है, यानी उनको जोड़ने पर अगर इवेन आ रहा है तो प्लस लेना है, अगर माइनस आ रहा है तो सॉरी ऑड आ रहा है तो माइनस लेना है, ठीक है। दो रो दो कॉलम है, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर इसका आपको डिटर्मिनेंट्स ए लिखना है तो कैसे लिखोगे, 6 7 5 4, ठीक है, ये हट जाएगा ये पूरी चीज़ें। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, एक नंबरिकल वैल्यू होगा, 6 × 4 5 × 7 = 24 − 35 − 11, ठीक है। बातें क्लियर? पॉइंट समझ रहे हो आप, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट्स निकालने के तरीके हैं किसी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। बातें क्लियर? तो ये तो जब आर्डर टू का होगा तो आप आसानी से कर लोगे ऐसे मल्टीप्लाई करके, लेकिन जब आर्डर थर्ड का होगा तो उसमें एक्सपेंडिंग करेंगे, जो मैंने बताया था, या तो रो के लांग या तो कॉलम के लांग, ठीक है। बातें क्लियर? देखो प्यारे बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं डिटर्मिनेंट्स के, उसे हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज, यानी जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होती है वो चेंज होती नहीं है अगर आप इसका रो कॉलम में चेंज कर दो, यानी रो को कॉलम से चेंज कर दो। जैसे ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज पढ़े हो गए, ठीक है। तो मान लो कोई मैट्रिक्स ए होगा, ठीक है, ऐसे हमने लिखा था ये मैट्रिक्स ए था, ठीक है। हम एग्जांपल से समझते हैं, इजीली हमें आइडिया लगेगा, ठीक है, 6 7 8 2 2 5, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है 3 रो 3 कॉलम का, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालता हूँ तो डेट ए को कैसे लिखते हैं आपको मालूम ही होगा, 3 4 5 6 7 8 2 2 5, ये डेट ए हो गया। अब डेट ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेंस अनचेंज, यानी चेंज ही नहीं होगा अगर आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, यानी जो ये रो है ना, ये रो इनको कॉलम बना दो, क्या बना दो, कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, यानी ए टी, तो ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का क्या होगा, 3 4 5 6 7 8, यानी रो में जो लोग हैं उनको कॉलम में कर दो, ठीक है, 2 2 5, ये इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। अब ये तो ट्रांसपोज हो गया किसी गिवन मैट्रिक्स का, अब जो यहाँ से डेट ए की वैल्यू आएगी ना, अब फिर यहाँ से जो डेट ए ट्रांसपोज की आएगी वो दोनों क्या होगी, सेम होगी, क्या होगा, सेम होगा, यही इन्होंने बोला है, ठीक है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, क्योंकि आप कर भी सकते हो इसको प्रैक्टिकली, आप कोई नंबर लिख ले A1 A2, ये सब लिख के कर सकते हो, लेकिन हम एग्जांपल से समझते हैं कि इजीली समझ में आ जाए, ठीक है, मेन पॉइंट से हमें समझ जाना है, ठीक है। तो आप इसको रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, लिख लेना एक्सपेंड अलॉन्ग
यानी फर्स्ट रो के अलग हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, थर्ड इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, तो बचेगा क्या, ये वाला बचेगा, यानी 75 जा 35, 82 जा 16, यानी इससे से मल्टीप्लाई, इससे से मल्टीप्लाई। फिर नेक्स्ट क्या होगा, हम क्या करेंगे कि ये फर्स्ट रो है ना, तो यहाँ पे हम सेकंड एलिमेंट को लिखेंगे, फिर ये हो गया ऐसे, फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 65 जा 30 माइनस 82 जा 16 होगा, ठीक है, क्योंकि आप रो के लंग जा रहे हो ना, तो सेकंड एलिमेंट यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 5 होगा, क्यों 5 होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। इसको बंद करो, इसको बंद करो, 62 जा 12, फिर 72 जा 14, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझ रहे हो बातों को, क्योंकि भाई देखो अगर ये मैं थर्ड को ले रहा हूँ ना, तो इसको बंद करो, इसको बंद करो, तो बच्चा कि यही दोनों ना, तो 75 जा 35 मैंने लिख दिया, फिर 82 जा 16, ये रूल होगा बेसिक, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो, यहाँ पर बचेगा आपका 19, फिर माइनस 4, यहाँ पर बचेगा 14, फिर प्लस 5, यहाँ पर बचेगा माइनस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 57, 56 माइनस 10, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 66 यानी माइनस 9, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये माइनस 9 ही है वैल्यू आ गई, तो इसको भी आप सॉल्व करोगे ना तो माइनस 9 आएगा, ठीक है। तो मैं इसको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो 3 तो बाहर ही होगा ना, इसको भी रो के अलांग कर लो, अलांग रो, फर्स्ट रो पहले रो के अलांग, तो भाई पहला एलिमेंट 3 है, तो 3 को ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो बचा गया 75 जा 35, 82 जा 16, यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट में आते हैं तो माइनस 6, ठीक है, ये वाला माइनस 6 ब्रैकेट में, ये बंद, तो 45 जा 20, 52 जा 10, ठीक है। अब इसी तरह 6 खत्म, बचा नंबर माइनस 2 का, सॉरी प्लस 2 होगा, तो ये बंद, तो 84 जा 32, 57 जा 35, यहाँ तक हो गया, ठीक है, बातें क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे 35 में से 16 जाएगा माइनस 19, सॉरी 19 6 इंटू 10, ठीक है, प्लस 2 इंटू माइनस 3, ठीक है, बातें समझ रहे हो आप, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 57 माइनस 60 माइनस 6, ठीक है। अब इसको हम जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 9 के बराबर, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये जो रो है ना, ये रो इसको कॉलम बना दो, तो जो डिटरमिनेंट्स नए बनेंगे, यानी नया मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट्स होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी दोनों की, ठीक है, बातें क्लियर। तो मैंने यही समझना था कि आप चाहे तो पूरे रो को कॉलम बना दो या पूरे कॉलम को रो बना दो, तो उसका डिटरमिनेंट्स ए चेंज नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ एनी टू रोज आर कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज, यानी किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है, अगर आप दो रो या कॉलम चेंज कर दे रहे हो, ठीक है, यानी मान लो डिटरमिनेंट्स का आपने रो या कॉलम चेंज कर दिया, ठीक है, दो रो या दो कॉलम, ठीक है, चेंज कर दोगे तो उसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे मान लो आप सीधे हम डिटरमिनेंट्स लिखते हैं, डिटरमिनेंट सेम मैंने लिखा 6 7 9 8 5 6 7 6 7, ठीक है, ये कोई डिटरमिनेंट्स ए है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसका दो रो या दो कॉलम चेंज करता हूँ, मान लो दो रो मतलब इन रो को आपस में चेंज किया, इसका नाम होता है फर्स्ट रो, इसका नाम होता है सेकेंड रो, इसका नाम होता है थर्ड रो, ठीक है। मैंने क्या किया, आर वन चेंज टू आर टू या आर टू चेंज टू आर वन, ये भी तो बोल सकते हैं, तो इसलिए ये सिंबल लगाते हैं, ठीक है, यानी आर वन आर टू से हो गया या आर टू आर वन से हो गया, तो चेंज कर लो तो नया एक डिटरमिनेंट्स आएगा ए डैश, ठीक है, क्रिएट होगा 8 5 6 6 7 9 7 6 7, ठीक है। अब यहाँ से आप डेट ए की वैल्यू निकालो, तो डेट ए क्या होगा, यहाँ से तो डेट ए आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, रो के लांगी कर लो, 6 5 7 35 6 6 36, ठीक है, सेकंड पोजीशन माइनस 7, ठीक है, और ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, 7 8 56 माइनस 42, आप समझ रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस 9 को लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 9, इसको बंद करो, इसको बंद करो, तो बचा क्या, ये सब ना, तो 8 6 48 माइनस 5 7 35, यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो माइनस वन, सेवन इंटू यहाँ पर बचेगा आपका 14 और यहाँ पर प्लस 9, इसमें सही हो गया तो कितना बचेगा 13 बचेगा। ठीक है, बातें क्लियर? ठीक है ठीक है, तो ये होगा माइनस 6 और यहाँ पे 98 और प्लस 117। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 104 प्लस 117 यानी 13, पॉजिटिव 13 होगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से आ गई, यानी इस डिटर्मिनेंट्स का हमने ये वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, जो ये डेट ए लिखे हो ना, तो इसका एक और सिंबल होता है, आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो आप ये बात को याद रखिएगा, डेट से भी लिख सकते थे। ठीक है, और ए डैस ये दूसरा डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, डेट ए डैस बोलेंगे। ठीक है, इसको तो अब एक चीज़ देखो, अब इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालना है तो इसको यहाँ पर छोटे में कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका डेट की वैल्यू क्या आएगी, इसको भी रो के एलान कर दो, तो 7 8 12 होगा, 7 7 जा 49, 6 9 जा 54। मैं कैसे कर रहा हूँ आप समझ रहे हो, ये रो के एलान तो 8 हो गया ना, तो 8 का ये बंद तो बचा क्या, इतना ही बचा ना, तो इसमें क्या होगा 7 7 जा 49, 9 6 जा 54। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, माइनस साइन होगा क्योंकि अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस 5 ये बंद तो 7 6 जा 42 माइनस 42 माइनस 63 यहाँ तक हो गया। अब इसका नंबर है यानी प्लस 6 ये बंद 36 माइनस 49। ठीक है, बातें क्लियर? अब हम फाइनली क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 8 इंटू इसको माइनस करेंगे तो माइनस 5, माइनस 5 इंटू इसको अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 21। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 ये माइनस करेंगे तो 49 माइनस 13। ठीक है, बातें क्लियर? ठीक है, अब देखो अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, इतनी चीज़ों को सॉल्व करना है तो आप लिख लो यहाँ पर सॉल्व करके, माइनस 40 और ये प्लस 105 और यहाँ से माइनस 78। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके तो देखो, ये 40 ये 78, 118 माइनस 118। ठीक है, माइनस 118 में से 105 बताओ तो माइनस 13 आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो आपका पहले क्या आ रहा था, प्लस 13, लेकिन अब क्या आ गया, माइनस 13। यानी मैंने जब किसी डिटर्मिनेंट से, यानी डिटर्मिनेंट्स का ही साइन है, ठीक है, किसी डिटर्मिनेंट से मैंने दो रे को आपस में चेंज कर दिया या दो कॉलम को चेंज कर दिया, कहीं का भी दो कॉलम, इन कॉलम को आपस में चेंज कर दो, तो जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होगी वो जो पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी उससे मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। इतनी बातें क्लियर? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थे, आप याद भी रख सकते हो इसको। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी टू रोज, यानी किसी डिटर्मिनेंट्स का दो रो या दो कॉलम्स सेम हो, यानी आइडेंटिकल्स हो, यानी एक बराबर हो, तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो, यानी जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। जैसे समझते हैं, देखो अगर मान लो आपके पास एक डिटर्मिनेंट है इस नाम का, 2 6 7 9 4 5 3 2 1। ठीक है, ये कोई डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू यहाँ पे तो ऐसे हैं तो कुछ आएगी, लेकिन अगर दो रो सेम हो गया, ठीक है, सेम होने का मतलब देखो, ऐसे ये दोनों रो क्या होंगे, सेम हो गए, यानी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सभी एलिमेंट आपस में बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, जो इसका डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, यानी डेट ए क्या होगा, जीरो होगा किसी मैट्रिक्स का। देखो तो अब हम कैसे इसको निकालेंगे, तो देखो समझ लेते हैं इसी पर एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो आप रो के एलान कर लो, तो 2 इस रो के एलान जाते हैं, बंद ये भी बंद, तो 4 2 जा 8 4 2 जा 8। ठीक है, दूसरा इसका माइनस 6 ये बंद 9 2 जा 18 3 4 जा 12। ठीक है, अब थर्ड इसका पोजीशन आ गया प्लस, ठीक है, तो ये बंद और ये बंद 9 2 जा 18 -4 3 जा 12। ठीक है, बातें क्लियर? अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 0 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6। ठीक है, तो -36 0 प्लस 36 यानी इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0। ठीक है, तो ये बातें आपको समझनी थी। तो यहाँ पर दो रो बोला है या दो कॉलम, अब दो कॉलम का मतलब क्या हो जाएगा इसमें आप समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो ये मैट्रिक्स ये नहीं था, ये था, ठीक है,
दो कॉलम बोला है ना, तो दो कॉलम का मतलब, दो कॉलम तो हमने समझ लिया, दो रो समझ लो, दो रो का मतलब ये 261 है तो इसको भी क्या बना दो, 261। तो उस केस में भी जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है भाई, दो रो सेम हो जाए या दो कॉलम कहीं का भी हो जाए भाई, ऊपर वाला इस नीचे वाले से बराबर हो जाए तब भी वहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज मल्टीप्लाइड बाई ए कॉन्स्टेंट के। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है डिटर्मिनेंट्स है, इसमें आपने मान लो ऐसा एलिमेंट लिख दिया, ठीक है ऐसे आपने वैल्यू लिख दिया। ठीक है, अब आपसे बोला गया क्या, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो यानी एक रो का प्रत्येक एलिमेंट्स या किसी एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट किसी एक नंबर के से मल्टीप्लाइड हो गया, यानी के से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो इसका वैल्यू भी क्या हुआ, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं इस रो की बात करूँ, इस रो में मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज दैट। ठीक है, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, 5 2 10, 5 6 30, 5 7 35। ठीक है, उसके बाद एक नया डिटर्मिनेंट्स क्रिएट होगा, वो डिटर्मिनेंट इस टाइप का होगा। ठीक है, हम मान सकते हैं कि डेल्टा 1 है, ठीक है डेल्टा 1 है, ठीक है डेल्टा 1 है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसकी जो डेट की वैल्यू होगी उसको निकाल लो। ठीक है, अब इसके बाद इसको निकालना, तब तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, वो मैं अभी बताऊँगा क्या वो चीज़ होगा। ठीक है, तो देखो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो 7 7 49, 9 6 54। ठीक है, इसको मैंने किया 42 45। ठीक है, -7 36 75, तो 2 × ये क्या हो जाएगा, -5 6 इंटू -3 × 1। ठीक है, तो यहाँ पे होगा -10 + 18 - 7। ठीक है, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका +1। ठीक है, +1 आया। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो आपको आप भी इसको रो के लगे एक्सपेंड कर दो। ठीक है, 10 तो 49 54। ठीक है, फिर -30 हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी जल्दी करना, आप भी सीख जाओगे। 7 6 42 42 - 45। ठीक है, फिर इसका नंबर आया तो ये तो आपको मालूम, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, 35 36 75 36 35। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 × ये क्या देगा, -5। ठीक है, यहाँ पे होगा -30 × -3। यहाँ पे क्या देगा, 35 × 1। ठीक है, तो फाइनली ये होगा -50 + 90 + 35। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, सॉरी यहाँ पर हमने प्लस होगा। ठीक है, ये स्टेप गड़बड़ हो गया, क्योंकि देखो इसका जो पोजीशन है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यानी 1 3 4 4 क्या होता है, इवेंट, तो इवेंट के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस। ठीक है, आप लॉजिकली सोच सकते हो, इसका पोजीशन था फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी माइनस, इसलिए मैंने माइनस लगाया। इसका पोजीशन था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी एक रो एक कॉलम दो, दो के लिए मैंने आगे प्लस लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, +7। ठीक है, माइनर मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, और 25 में से गया ये 15 हो जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर, आपको समझ रहे होंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो ये प्लस है, ये प्लस है, तो -50 + 125। ठीक है, 125 होगा, तो फाइनली यहाँ से क्या मिला, 75। तो आप एक चीज़ देखो, पहले हमारे पास 15 था, अब क्या हो गया, 75। तो भाई 75 कितना गुना हो गया, पहले 15 से अब 75 हो गए, यानी आप में 5 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 5 7 5 में 15 का करेंगे तभी ना 75 होगा। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी रो में किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो के से, तो जो आपका डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होगी वो पहले वाले डिटर्मिनेंट से के टाइम्स हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, के टाइम्स ऑफ पहला डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो अगर मान लो पहला डिटर्मिनेंट्स ये था, बाद वाला डिटर्मिनेंट्स ये था, अगर के से मल्टीप्लाई किया था तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। आप रिजल्ट समझ सकते हो, ठीक है, आप एग्जांपल के आइडिया से भी समझ सकते हो। इसी प्रकार अगर आपने मान लो कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से ऐसे कर दिया सब में, तो जो आपका रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी पहले 15 आएगा क्योंकि कॉलम में भाई 5 से किया, तो 5 तो कॉलम में किया ना, तो पहले आपका 15 था, 15 भाई डिटर्मिनेंट था, लेकिन 5 से कॉलम में किया तो 5
रिजल्ट में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे कॉलम में मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से, चाहे रो में करो सभी एलिमेंट में, तो आपका डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी प्रकार एक और हो सकता है कि अगर आपने मान लो 5 से इस रो में किया, फिर 5 से इस रो में किया, तो आप 5 दो बार यूज कर लिए ना, तो दो बार यूज करने का मतलब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। बातें क्लियर, आपका रिजल्ट किससे हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप ये बेसिक चीज़ें समझ सकते हो। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगर मान लो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख गया, इस रो में अगर मान लो 5 आपको यहाँ पे कॉमन दिख गया, ठीक है, तो आप 5 इससे बाहर भी ले सकते थे, ठीक है। यानी 5 आप बाहर लेकर जो ये 5 आप बाहर लेकर जो ये डिटर्मिनेंट्स होगा उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि हम बाहर 5 को बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं। अगर कोई डिटर्मिनेंट्स लिख दिया, उसमें किसी रो में कुछ कॉमन एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ऐसे सभी में, यानी एक रो में कॉमन कुछ एलिमेंट मिल गया, तो उसको 5 को बाहर कर दो, उसके बाद उस डिटरमिनेंट्स के डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकाल लो, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये भी हम कर सकते हैं, इसका जस्ट रिवर्स, ठीक है। बातें क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।